फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल में। और ये बच्चे खेलने का टाइम है, पढ़ाई हो गई है और अभी मैं रेडी इसलिए हूँ, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो इसलिए रेडी होने घर में। मैं आप लोग देखते हो मैं सिंपल ही रहती हूँ, तो मैंने सोचा दूसरा ब्लॉग भी इसी तरह स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे ज़रूर देखिएगा। और जो ये वीडियो मैंने क्रिएट करी है, अभी मैंने कल अपलोड करूँगी मैं, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक चैलेंज वीडियो है। और तो अब मैं इन कपड़ों को जा रही उतार के रखूँगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। जो लोग रोज़ वीडियो बनाते हैं, मेरे समझ नहीं आता है जो लोग रोज़ वीडियो कपड़े बदल के बनाते हैं और डेली, तो उनको कितना टाइम लगता होगा। जो लोग मेकअप वाली वीडियो बनाते हैं, मुझे लगता है उन लोगों को बहुत मेहनत पड़ती है क्योंकि एक रेडी हो, उसके बाद फिर वीडियो बनाओ, फिर कपड़े बदलो, क्योंकि घर में चाहे जितना हो हम सभी हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। और ये बच्चे खेल रहे हैं तो शोर मचा रहे हैं। चलिए फिर मैं ये कपड़े उतार देती हूँ और दूसरा पहन लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं करेले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, करेले की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी यही बनाऊंगी। चलिए फिर फुल वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए इधर गली मेरी तो इधर घेरा रहता है थोड़ा बहुत, ये देखिए अभी इधर उजाला आया था, ये लाइट मैंने ऑन नहीं करी है, दिन है तो अभी क्या ऑन करूँ, रात क्या ऑन करूँगी। फिर आ गए इस रूम में, चलिए फिर मिलेंगे कुछ देर बाद। तो बस आ गई हूँ किचन में, कपड़े वगैरह चेंज कर लिया है मैंने और ये करेला मैंने छील लिया है। और आज मैं छिलका डाल के बनाऊंगी करेला, करेला भरवा बना रही हूँ। ये देखिए छीलने के बाद और अंदर जो मैंने कटिंग की है मसाला भरने के लिए, उसको भी जब एकदम कर लिया है मैंने, फिर एक लोटे में पानी रखा था, उसमें नमक डाला है, फिर सारे करेले को मैंने डिप किया है उसमें, डुबो डुबो के निकाला है जिससे करेला तीखा ना हो। आप लोग चाहें तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं, इससे हमारा करेला तीखा नहीं लगता। और इसको भी नमक वाले पानी में मैंने भिगो के रखा है, छिलके को भी। इस बार छिलके को मैं फेंकूंगी नहीं, उसको भी बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। इन मसालों को मैंने पीस लिया है सिलबट्टे में, ये देखिए सारे मसाले और भी मैंने मिला लिए हैं जैसे हल्दी वगैरह। और करेला मैंने भर लिया है और ये जो छिलके थे ना, इनको भी मैं मसाले में अच्छे से मिला लूँगी क्योंकि हम सभी करेला का जो छिलका होता है ना उसे फेंक देते हैं। बट इस बार मैं इसे पूरा बनाऊंगी और आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही, ये जो करेले के छिलके हैं ना, इसको आप अलग से खाइएगा, मैगल में ही डालिएगा बट अलग से खाइएगा, इतना सोंधा लगेगा और बिल्कुल तीखा नहीं लगेगा। ये देखिए इसे मैंने मिला लिया है, करेला मैंने भर लिया है और अब सब मैं तेल में डालूँगी। एक बार ऐसे ज़रूर आप लोग बनाइएगा और तुरंत ताज़ा करेला खरीद के बनाओ तो ज़्यादा स्वाद बनता है। एक दिन अगर फ्रिज में रख दो ना तो स्वाद अच्छा नहीं आता। ये तेल मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई में और सारे करेले को मैं डाल दूँगी एक एक करके क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। कुछ देर ये पकेगा फिर ऊपर से थोड़ा सा तेल और डालूँगी मैं, जब छिलका डालूँगी तब। कढ़ाई जो मेरी है ना थोड़ी सी गहरी है, जो फैली फैली कढ़ाई रहती ना, चौड़ी ज़्यादा रहे गहरापन कम रहे, ये सब चीज़ें उसमें पकने में ज़्यादा अच्छा लगता है और जल्दी भी होता है, एक एक पकता रहता है आराम से। ये छिलकों को रखी हूँ अभी, जब हमारा वो वाला भरवा थोड़ा पक जाएगा उसके बाद में इसे डालूँगी क्योंकि तुरंत पकेगा इस छिलका है। ये देखिए गहरी कढ़ाई है ना तो प्रॉब्लम हो रही है, अगर थोड़ा चौड़ी होती तो सारे करेले अलग अलग होते, बट मैं इसी में बनाती हूँ तो मैंने इसी में बना लिया। एक अल्युमिनियम की कढ़ाई में लूँगी, मेरे पास एक भी नहीं है और मैं ज़्यादा उसे इस्तेमाल नहीं करती इसलिए मैं ख़रीदा नहीं है, मैंने मंगाऊँगी ये सब चीज़ें फ्राई करने वाली चीज़ें उसी में बनाऊँगी। अब देखिए अब मैं इसे ऊपर से डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है ऊपर से और, जिससे अच्छे से पक जाए क्योंकि करेला मैगल वगैरह है ना तो ये तेल से ही पकते हैं। ये पक आया है बस, हल्का फुल्का बाकी है, इसे ढक के रख दूंगी, सोंधापन आता रहेगा
और दाल चावल मेरा बना हुआ है, ये देखिए दाल मैंने थोड़े से जीरा से फ्राई कर दिया है। लहसुन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं दाल में, तो इसलिए जल्दी नहीं डालती हूँ, जब फ्राई दाल बनाती हूँ तभी डालती हूँ। ये सिर्फ जीरा से ही मैं दाल अपना बघारना कह दो, छोंकना कह दो, कुछ भी कह दो, ऐसे ही करती हूँ। और घर की दाल है, आम मैंने डाल दिया है ना, तो स्वादिष्ट बनती है, बच्चे खा लेते हैं आराम से। और ये देखो चावल बन गया है, दाल वाले कुकर में ही चावल डाला है मैंने, इसलिए लो है थोड़ा। रोटियां देखिए बन रही हैं, ये सब लोग खा चुके हैं, मेरी थाली है जब मैं खा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस समय हर जगह कोरोना कोरोना सुनाई दे रहा, सच में इतना डरी हुए हूँ मैं, सब लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, सब लोगों को तो मैं नहीं जानती, पता नहीं सब लोग तो, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इसे गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं, और जिन्हें है वो तो भाई गंभीर ही हो गए हैं। कोई एक कहावत है ना, जब तक अपने पैरों की जो एड़ियाँ होती है ना, जब तक खुद नहीं फटती हैं वहाँ हमें दर्द नहीं होता है, ये कहावत है, मुझे याद नहीं है अच्छे से कि मतलब जो दर्द हमने नहीं झेला है ना, वो हम दूसरे का समझ नहीं सकते। जैसे मान लो मैं ही कह दूँ कि यार आपको कैसे ठंडी लगती है, ठंडी में मुझे तो ठंडी ही नहीं लगती, क्योंकि मान लो मुझे ठंडी कम लगती है तो मैं यही सोच रही हूँ कि आपको भी ठंडी लग नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है, जिसके ऊपर जो पड़ती है ना उसे पता चलता है, जो झेलता है ना उसे पता चलता है कि कितनी परेशानियां हैं, कहाँ कितनी दिक्कत है। हमें क्या लगता है ना कि हमारे ऊपर तो ये पड़ा ही नहीं, तो ये हम लाइटली ले लेते हैं कि अरे चलो ये भी झूठी बोल रहा होगा, इतनी सारी ठंडी पड़ती हमें तो कुछ नहीं होता, इसे कैसे हो जाता है। तो सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं है, और सबके हालात एक जैसे नहीं हैं। तो जो जिस स्थिति में होता है ना उसे ही पता होता है कि मैं किस स्थिति में हूँ। देखने वालों को तो बहुत कुछ लगता है, कोई कोई होता है किसी के यहाँ एक रोटी नहीं रहती, बट दूसरों को लगता है वाह ये तो बहुत अच्छा खा रहा भाई, क्योंकि वो दिखा नहीं रहा आपको, वो दिखाएगा थोड़ी ना कि मैं रोटी खा रहा हूँ, कि मैं घी पी रहा हूँ, कि मैं दूध खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ मतलब। तो परेशानियाँ सबके यहाँ हो सकती है, हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि ये झूठ बोल रहा है, ये करे, जो जिसकी स्थितियाँ होती है, जो जिसकी परिस्थितियाँ होती हैं उसे पता होता है। जब तक हमारे पैरों में कांटे नहीं चुभते हमें पता ही नहीं चलता कि कांटा कैसा होता है, कितना ज़्यादा दर्द देता है। तो आई होप आप सब ये समझोगे कि किसी के कांटा लगा है तो उसको दर्द हो रहा होगा, उसके मैं कांटा निकाल लूँ, ये नहीं सोचोगे कि अरे ये नाटक कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जिसके जो झेलता है उसे पता होता है कि हाँ ये कष्ट है। और जिसे वो स्थिति जिसके पास अभी तक नहीं आई ना, वो कभी भी नहीं मान सकता, वो कभी भी नहीं जान सकता ना, वो कभी समझ नहीं सकता आपको, ये मैं गारंटी के साथ 100% कह सकती हूँ। खैर फ्रेंड्स, दुनिया जैसी है वैसी ही रहनी है, उसको ना आपके कहने से दुनिया बदलने वाली है, ना दुनिया के कहने से हम बदलने वाले हैं, बिल्कुल राइट है। बट अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम समझदार हैं, अगर हम एक जिम्मेदार इंसान हैं, तो हमें दूसरों के कष्ट भी दिखाई देने चाहिए, भले हम कर ना सकें, बट हमें मान लेना चाहिए कि हाँ उसको ये तकलीफ़ है, हाँ उसको ये सुख है। तो चलिए, मुझे यही कहना था, यही वीडियो था, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय।